हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो। गाइस आज मेरा पहला दिन है जिम में, देखते हैं क्या होता है कैसा होता है वहां जाके। और गाइस पता करते हैं जिम का पहला दिन कैसे बीतता है। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं मिलता हूँ डायरेक्ट आपको जिम के साथ। ओके सो गाइस वी हैव रीच द जिम रोइंग फिटनेस सेंटर। ये जस्ट ये जो जनरल फील्ड है रोइंग का उसके पास ही में चलते हैं अंदर और आपको मैं दिखाता हूँ क्या है अंदर का सीन गाइस। ओके गाइस सो वी हैव रीच हियर। तो गाइस इसी जिम के पास और एक जिम है ये जो इत्तापुलु इंदौर स्टेडियम के सामने है, उसका नाम शायद रोइंग जिमनेजियम कुछ है, मेरे को पता नहीं अच्छे से। ठीक है, और एक है जिम और एक रोइंग पे, वो है आपका पुराना वेलकम गेट जहाँ में अभी बीआरओ का गेट लगा हुआ है उसके पास में। मैंने नहीं देखा है, मैंने लोगों से सुना है। ठीक है, तो गाइस मेरे इस जिम पे मैं आने का यही रीजन है कि मेरा एक फ्रेंड यहाँ पे ट्रेनर है। ठीक है, तो वो मैं उसके साथ में करूँगा तो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा कर पाऊंगा, दैट्स वाई आई एम हियर। ओके गाइस, तो बिना वेस्ट के टाइम चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर का सीन। ओके सो ये है रिसेप्शन गाइस, यही है वो फ्रेंड जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा और गाइस यही है वो डाबर सुरक्षा किट जो हमें रेकमेंड किया गया है जिम से, तो हमें वो मेडिकल स्टोर से मिल गया, उसे लेना है। यहाँ पे एक दिखा रहा है गाइस, एक फेस शील्ड है, हैंड सैनिटाइजर, जो हेयर कप, ठीक है, और हैंड ग्लव्स और मास्क, और सब वॉशेबल है दिखा रहा है गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट इनटू द अनबॉक्सिंग गाइस। सो ये गाइस, तो इसे मैंने फाड़ दिया है, तो अभी क्योंकि फाड़ा तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि मैं इसे रख के आपके लिए दिखा सकूँ। तो गाइस आपको मैंने फाड़ने के बाद ये दिखा दिया है। ओके तो इसे खोलने का सिस्टम नहीं, आपको फाड़ना ही पड़ेगा। ओके तो यही है गाइस, पहला मास्क के कपड़े का है, अच्छा। ओके तो दूसरा है ये जो अपना जो हेयर कप। ओके इसको भी खोल के दिखाऊं क्या, दिखाई देता हूँ यार ये गाइस। ठीक है, इसको करते हैं साइड में। अब आते हैं अगले प्रोडक्ट की ओर जो है सैनिटाइजर। ओके सैनिटाइजर है डाबर का ही, सैनिटाइज एंड हैंड सैनिटाइजिंग रब विद एल्कोहल। ओके 60 ml। और गाइस अगला है अपना फेस शील्ड। ओके इसको भी मैं लगाने के बाद आपको मैं जरूर वीडियो पे दिखाऊंगा, इसको लगा के मेरे को जाना पड़ेगा। देखिए फिलहाल के लिए हमें कार्डियोडी में ये लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मास्क क्योंकि कपड़े का और वो ज़्यादा होता है, और ये भी लगाने की जरूरत नहीं हैंड रब। अब वैसे फिर फिलहाल अभी भीड़ नहीं है, भीड़ रहेगा थोड़ी देर में आएंगे तब ये लगा के करना पड़ेगा गाइस फेस शील्ड। उसके बाद लास्ट एक प्रोडक्ट है वो है हैंड ग्लव्स। ओके ये वही वाला है, अच्छा ये तो वॉशेबल हो सकता है जरूर, इसको भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, वेट गाइस। हाँ गाइस ये वही हैंड ग्लव्स है जो मिलता है जो लगाया जाता है मेडिकल्स में। ओके फिर पता है पर इसलिए तो वॉशेबल है। चलिए गाइस ये सबको पहन के चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपका अंदर का नजारे गाइस। सो मेरे को जिम इंस्ट्रक्टर ने कहा कि ये अभी पहनने की जरूरत नहीं है, जब फिलहाल भीड़ होगा अभी आएंगे आदमी तब पहनने का है। ठीक है, फिलहाल अगर कोई नहीं आया तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ क्योंकि मेरे सुबह का बैच है, सबसे सुबह का और भीड़ होगा तभी फेस शील्ड लगा के करना पड़ेगा। ओके सब कुछ कंपल्सरी है। ठीक है, तो फिलहाल गाइस इंस्ट्रक्शन जो ट्रेनर हैं वो भी बोल रहे हैं कि थोड़ा जल्दी करो कि और बैच आएंगे और बच नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो गाइस इसको रखता हूँ मैं साइड में और एक्सेशन को बताता हूँ आपके पास। सो गाइस ये है जिम, ठीक है, फर्स्ट ये साइकिलिंग के लिए दो दिए गए हैं, ट्रेडमिल्स दो हैं देख सकते हैं, पर एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं
साउंड सिस्टम्स, कुछ मैट्स, स्टेप्स, देखो बाथरूम, छोटा सा जिम है, काफी सारे एक्सरसाइजेस और मोटिवेशंस लिखे हुए हैं, दीवार पे चिपकाए हैं, और ये अलग एक रूम है गाइस जहाँ पे हम स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। वो प्रोबेबली कार्डियो का एक रूम है, इसलिए स्ट्रेंथनिंग का रूम है। और बोल रहे हैं कि और भी सारे डंबल्स हैं, उन्हें रखा है फिलहाल पे स्टोर पे, स्टोर साइड वो साइड है रिसेप्शन के साइड, मेरे को पता नहीं। चेस्ट मारने के लिए इधर हैं सारे गाइस। तो यही है जिम, तो और मेरे को क्या बताऊं, ठीक ही है, नॉट बैड यहाँ पे। ओ गाइस अभी दौड़ के खत्म हुआ है ट्रेडमिल पे, दौड़ रहा है। तो गाइस अब हम करेंगे इस वाले को, तो उसके बाद फिर मिलता हूँ गाइस। हे गाइस, सो वी हैव डन डस्टर फॉर टुडे। सो गाइस, ऐसा बताया गया है कि मेरे दोस्त के द्वारा कि पहला हफ्ता सिर्फ कार्डियो होगा, ठीक है, उसके नेक्स्ट वीक से हम शुरू करेंगे स्ट्रेंथनिंग विद कार्डियो, ठीक है। तो इसलिए पहला हफ्ता मेरे को करना है सिर्फ कार्डियो, जैसे कि ट्रेडमिल पे दौड़ेंगे, जंपिंग जैक्स, हाई नीस, साइकिलिंग करेंगे, यही सब होगा गाइस। तो नेक्स्ट हफ्ते से ही होगा स्ट्रेंथनिंग। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तकलीफ बाय बाय।